मेरा नाम मोहम्मद चिंद। आज पेट्रोल डलाने आते हैं, कितने लीटर पेट्रोल डाला? कितने लीटर? कितने दिन घूम सकते हैं? क्या एक दो तीन घंटे, दिन तक नहीं, दो तीन घंटे। दो तीन घंटे क्या बिजनेस करेंगे? इलेक्ट्रिक कंट्रैक्ट। तो कितने किलोमीटर? मेरा ट्रैवल एक्चुअली ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है, ऑफिस वर्क करता हूँ, मुझे ऑफिस को जाना, पटन को जाना, पटन का को देखना, कहाँ कहाँ जाने करता है। ट्रैवल एक्चुअली मेरा बिजनेस है, ट्रैवल में ज़्यादा रहता है। पेट्रोल का रेट मेंटेन आपको मालूम, लॉकडाउन के बाद कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से वो ले लो, प्राइवेट जितने भी होता है, होटल पंचर सब जितने भी यहाँ तक के मालदार भी कॉर्पोरेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट करा उन्हें भी पूरे जन लॉकडाउन के बाद जी डी पी जैसा ही इंडिया का डाउन हुआ, पूरे यहाँ की हालत खराब हुई। और जब हम एक कॉन्ट्रैक्टर को भरपूर काम करेगा तो बोले दस हज़ार की बात करेगा, 5,000 ही छत हुआ 300, अभी 5,000 का एक साल कितना लगा आपको? वैसे मोमेंट में एकदम पेट्रोल का रेट जो ऊपर आसमान छू को देखा है, जो इन परचेसिंग रेट है गवर्नमेंट जो परचेस कर रहा वो रेट उतना अच्छा है, उसमें क्या होता है इंक्रीजमेंट हो बनी है। तो ये गवर्नमेंट रेट को है, ये गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे। तो ये नौजवान छुकरेदा ही यंगस्टर दोनों क्या करते हैं, बोले तो गवर्नमेंट ये डाउन पेमेंट फ्रीज जो लोना चढ़ा उसमें बड़े बड़े व्हीकल्स ले लिए, एक्टिवा अपाचे ये वो जो भारी भारी गाड़ियाँ हैं जो महिला 25 से 30 देते वो ले लिए। जैसे पेट्रोल का रेट ऊपर हो गया, एक सिटी को जाता ना तो मिनिमम 100 का पेट्रोल डालाना, कमाई से 500 रुपये रहती है, 100 का पेट्रोल जो टीम को मिनिमम नौ होंगे तो बात में मालूम इस तरह 10 रुपये का पेट्रोल डेली आ रहा, 300 रुपये घर को ऐसा प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ मैसूर में ऐसा थे, ऑल ओवर इंडिया में भी ये चला था सर। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को कॉमन सेंस होना सर, इतने स्टेटमेंट्स पूरे उनको भी कभी इन्फॉर्म उसको नहीं है, गवर्नमेंट को अच्छा मालूम पब्लिक से क्या रिएक्शन आ रहा होगा, लेकिन कोस वे में इंडिया को ले लग जब खेलना चाह रही क्या मालूम आ रहा नहीं, आने वाला वक्त बोल रही पूरे जन चेंज करना चेंज करना होगा। जब ई एम आई जो वोटिंग मशीन उनके हाथ में है तो क्या भी ये कर नहीं सकता। तो जितना भी आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू से मैं बोलना चाहता हूँ, हमें एक ऑलरेडी हम इसके ये कॉन्सेप्ट ज़माने से जो बड़े ही क्या को बोला तो सबर 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 को पूछे करवानी, तो मैं कोई से भी सिचुएशन का मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ यंगस्टर से जितना भी आप टेनिस चैनल से देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोले तो चाहे आप कोई भी पार्टी से रिलेटेड करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करो, आप कोई क्या करना होगा बोले तो कोई भी इशू ऐसा आ रहा तो आप घर चढ़ कर हिस्सा कर करो, चाहे प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, डी सी के साथ मेमोरेंडम देने को ऐसा हलचल करना एक ये हिस्ट्री बन जाना हो, चाहे पेट्रोल का इशू हो चाहे दूसरे इशू हो, जो गवर्नमेंट आज बेट को है सिवाय जुलूम के बर्बादी के जीडीपी डाउन जाने के और क्या भी इसमें नहीं है। तो इससे क्या करना बोला तब से हम स्टडी करना आएंगे आने वाले दिनों बहुत ही, क्योंकि तो पेट्रोल ये एजेंसी रोज बोलूँ A to Z देखो मेन पेट्रोल, पेट्रोल से क्या है ट्रैवल, अभी ग्रासरी का जो भी आइटम आता है नहीं वो ट्रैवल से टेम्पो से ट्रेन से जिसमें भी आता व्हीकल होना उससे बहुत जरूरी, व्हीकल से तो पेट्रोल बहुत जरूरी, जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता तो उनके रेट भी ऑलरेडी इंक्रीज रहते हैं कॉमन बर्थ। तो ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या को बोले तो आने वाले दिन अभी बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, तो जब तक हमें स्ट्रगल नहीं करते, स्ट्रगल करके सामने की गवर्नमेंट को दिखाते हैं तब तक इन्हों अपनी अंधी गवर्नमेंट बना लेको इसकी सुनने उम्र। मैं एक आपके चैनल से क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ को बोले तो मैसूर की आवाम हो, कर्नाटक की आवाम हो, इंडिया की आवाम हो, अब हमारा वक्त है वो तो स्ट्रगल करने का वक्त है, सो हमें ऐसा अच्छे उन्हों फलानी पार्टी है उन्हों कर लेती हूँ उनका काम को बोले तो दिन आज उसमें टमाटर का रेट वो देता है 40 रुपये 50 रुपये, जो कूली कर को 25-30 महीने दिन में 250-300 रुपये कमाने वाले मेजोरिटी भी बहुत है, तो उन्हों जब एक के जी टमाटर लेना चाहिए 50 रुपये जो करा है, तेल का रेट क्या है, जो जो ऑयल हमें इस्तेमाल करते हैं उसका रेट क्या है, जो गवर्नमेंट अब एट प्रेजेंट गवर्नमेंट बैठ पाए बीजेपी गवर्नमेंट होने से। अब हाल ही में प्रताप सिंह सब देवल जो मैसूर के अंदर रोड के बारे में बोले एकदम इनको महीना ये क्रिमिनल इश्यूज को तो बोले तो ऐसा हाईलाइट करके बोलते हैं जिसे है मैसूर का अमन खराब होना, जो जैसा ही हुआ आपके न्यूज़ चैनल के जो इनाम पोचर थे उनके ऊपर रिएक्शन देखने मिला, उनका स्टेटमेंट आया, अब ऐसे चीज़ों में क्यों स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा उन्होंने इनक पीना को छोड़ डाली मेम्बर्स को पापा बोले तो उन्होंने मोहरी में कुछ तो कभी कुछ डालती हूँ ना वैसा ऐसे अंधविश्वास बना छोड़ डाली, वो चीज़ को हमें प्रगाह करना, हमें इसमें हिंदू होने मुसलमान होने दलित होने क्रिश्चन ये हमें छोड़ कर ह्यूमैनिटी के ऊपर ले लगा को हमें काम करने की जरूरत है। आज
खासकर एक मुसलमान कम्युनिटी टारगेट कर मारी तो कम्युनिटी का पर्सन उसकी फीलिंग क्या है तो बोले तो अयो मैं यहाँ गुलाम हूँ उनके सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता टॉपिक पेन कर नहीं कर सकता। ये जो पिक्चर आज हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर है ये पिक्चर काटना और ये गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना और जो भी बात करता उन्हें कुर्बानी देने के लिए तैयार होना। आज हमें मेहनत करी हमें बोल रहे ऐसा करना ऐसा हर एक इंसान का तकलीफ मालूम हो जाए गवर्नमेंट से क्या हो रहे हो तो लेकिन कोई भी आगे बढ़ने तैयार नहीं है। जब तक हमें कुर्बानी देते नहीं इस मुल्क में चेंजेस नहीं आते चाहे कोई भी कम्युनिटी आने वाले दिनों में हमने ये सेक्युलर माइंडेड जो भी है उनको देखना चाहिए क्यों बोले तो इसमें हर एक जन अभी अपनी कम्युनिटी का फायदा देखता है जो भी गवर्नमेंट का वहीं कांग्रेस का समाध्यपन जे डी एस का समाध्यपन जे डी एस क्या बोलते हैं एकदम बीजेपी को वोट डालते हैं उससे पहले कांग्रेस के खिलाफ होते बीजेपी के खिलाफ होते जैसा इश्तेदार में मिलता वैसा कांग्रेस का क्या है बोला तो फिर ऐसे इश्यूज में बोल नहीं सकता मीडिया तो मैं उसको वैसा बोले तो बहुत सारे पार्टियाँ आएंगी हमारी जिस मैं पार्टी में वर्क करता हूँ वो पार्टी का भी ये सच है पूरे पार्टियाँ में मैं भी घूम फिर का एस डी पी तैयार करी सत्यों को बोले कैडर भी पार्टी है एंड हमारा भी स्ट्रगलिंग हुआ जो भी इश्यूज आता है उसे हमें मेन क्या बोले लीडरशिप क्वालिटी हमारे यूथ के अंदर आना उसे सवाल रेज करने का मेथड आना। आज हमें प्रोटेस्ट करते उसके बाद का फार्मूला हमें मालूम नहीं रहता डीसी ऑफिस को जाना मेमोरेंडम देना उसके बाद उसे प्रोसीजर रहता वो नहीं करते खाली प्रोटेस्ट कर एक फोटो ले लेता खत्म आज वैसा नहीं चलता। आज मैं पूरे दिन हमको तुम्हारी से मैसेज कर दे रहा हूँ जितने म्यूजिक के अंदर ये आपका न्यूज़ बात करती हूँ कोई भी पार्टी से रिलेटेड हो चाहे जे डी एस से रिलेटेड करो एम आई एम से रिलेटेड करो कांग्रेस से रिलेटेड करो आज जो मुतहदों को सामने वाले की गवर्नमेंट को हमें जवाब देना है हर तरीके से। अब मैं एक मिसाल आपके पेट्रोल के बात से हटकर एक छोटी बात बोलना चाहूँ तो परसों एक देखने क्या मिला एक कांग्रेस के लीडर क्या कि उनके लीड सीनियर लीडर को बोले तो उन्होंने आवाज़ उठाई और एक जे डी एस के लीडर उन्होंने आवाज़ उनके खिलाफ उठाए तो तुम्हें कम्युनिटी इसी से कम्युनिटी मेरे को दो दिन उतार है ऐसा बहुत सारे इश्यूज मैसूर के अंदर ही कर्नाटक के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं अब तुम्हें देख रहे हैं हाल ही में कैसे कैसे हो रही तो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं जब पार्टी के लीडर के ऊपर बात आ जाती है तो 250 कम्युनिटी के लीडर्स को टांग जीतना स्टार्ट करता हूँ तो ये बहुत पहले करना था अब तो हमें 100 लोग रहे तो 100 आती तो मैं क्या रिक्वेस्ट करूँगा को बोले तो जागने का वक्त कभी भी कुर्बानी देने के वास्ते तैयार रहना जेल पड़ जाएगी लाठी पड़ जाएगी क्या पड़ जाएगी तो हमें कुर्बानी देना ये तो हमें हालात को चेंज कर सकते हैं सर। और हमारी कम्युनिटी में एक मैसेज क्या देती हूँ लोगों को बोले तो हमें जो ही लोगों को सही रास्ता बताने के वास्ते आप उनको हमारी पहली जिम्मेदारी होती है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कि गलत होता रहा तो कल हाथ से रोको उसके बाद जुबान से रोको नहीं करो तो दिल में यह करोगे तो ये सिर्फ याद करने की बात नहीं फील्ड में उतर को काम करने के काम आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ।